बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज चैनल पर। नमस्कार, BCN न्यूज के भविष्य दर्शन कार्यक्रम में मैं क्षितिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य श्रद्धानंद मोहन जी, हमारे साथ है। आज हम उनसे जानेंगे, हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया हम लेकर आए हैं आपके लिए। आज अंक शास्त्र पर जो है आचार्य जी आपको जो है जानकारी देने वाले हैं, तो बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, आज हम अंक शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत अपने धर्मशास्त्रों में अंक शास्त्र का भी उल्लेख किया गया था। तो आज अंक शास्त्र के बारे में हम जानेंगे विस्तार से, 1 से लेकर 9 तक का। इसमें कैसा है, समझो जिन्होंने जो लोग 10 तारीख को जन्मे हैं उनको 1 और 0 होता है। 0 अगर 1 और 0 मिला जाए, 0 मिला जाए तो 1 होता है। और समझो 11 तारीख को पैदा हुए हैं तो उनका 1 और 1 2 होता है, तो उनका मूलांक हम 2 पकड़ते हैं। मान लो 1 और 12 यानी 2 और 1 21 तारीख को पैदा हुए, 1 और 2 मिला के 3, ऐसा मूलांक को जोड़कर एक और जो लंक अंक निकलता है डेट ऑफ बर्थ का, उसको 26 तारीख को जो जन्म है, समझो 26 तारीख का 2 और 6 मिलके 8 होता है, तो हम 8 उनका नंबर मानेंगे, यानी उनका जो मूलांक है 8 मानेंगे। तो उस प्रकार से आज हम डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड हुआ जो भी है कार्यक्रम अपना, वो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो आपका अंक आता है उस अंक वालों को कौन सा ग्रह उस अंक का स्वामी है, उनका संक्षिप्त में उनका गुण धर्म स्वभाव कैसा होता है, उनके लिए कौन से रंग अच्छे हैं, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अंक शास्त्र के बेस पे। हाँ जी बिल्कुल, अंकों को लेकर या रंगों को लेकर बहुत हमारे यहाँ मान्यताएं हैं और उसमें कुछ लोगों में भ्रम भी पैदा हुए हैं। हाँ जी। तो इसी भ्रम को आज हम आपके मतलब जानकारी के जरिए जो है दूर करेंगे। तो चलते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर। पहला है अपना 1 नंबर, यानी जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है और 10 तारीख को हुआ है और 19 तारीख 19 को जिनको हुआ उनका 1 नंबर, 1 और 9 जोड़े तो फिर 1 होता है, ठीक है, 10 आता 1 होता है। तो जो व्यक्ति 1 तारीख को पैदा हुए, यानी जिन्हों 1, 10 और 19 को पैदा हुए हैं महीने में, तो उनका 1 नंबर आता है। 1 नंबर वाले जो व्यक्ति रहते हैं वो सूर्य प्रधान नंबर हैं, और उनका जो अंक का स्वामी है सूरज भगवान है, उनका सूर्य यानी कैसा प्रखरता है, डायनामिक है और तेजस्वी है। वो जो 1 नंबर जिनका मूलांक आता है वो भी काफ़ी प्रखरता उनके स्वभाव में रहता है, तेजस्वी रहते हैं, कोई भी काम ले तो उसको पूरा करते हैं, नेतृत्व का स्वभाव रहता है उनमें। और वो जिधर बैठे हैं, एक बात आप ध्यान से देख लेना, 1 नंबर जिनका रहता है वो जहाँ बैठता है वो पूरे समाज को बांध देते हैं, पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, और इनमें कैसा एडमिनिस्ट्रेशन पावर रहता है और दूसरों को अट्रैक्ट करने का बहुत शक्ति रहता है 1 नंबर वालों को। लेकिन इनमें एक न्यूनता ने कमी क्या होता है, ईगो ज़्यादा होता है, सारे बातें अपने ओवर ज़्यादा स्वाभिमान होने की वजह से थोड़ा सा इनको दिक्कत होता है मूवमेंट करने में। बाकी 1 नंबर वालों में अच्छा विल पावर रहता है, डायनामिज्म अच्छा रहता है, समाज को नेतृत्व करने का योग रहता है उनमें, अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं खास करके 1 नंबर वाले रहते हैं, और बड़े बड़े जो IAS ऑफिसर रहते हैं वो भी 1 नंबर से ही रहते हैं। 1 नंबर यानी नंबर 1, जैसा नंबर 1 बोल सबसे आगे रहते हैं ये, और तीक्ष्ण बुद्धि रहता है इनका, और कोई भी काम को अगर इनको दिया जाए उसको व्यवस्थित सुचारू रूप से पूर्ण करने में इनका एक टैलेंट होता है, इनका गुण होता है, तो 1 नंबर इनके लिए। और देखिए इनके 1 नंबर वाले जैसे सूरज भगवान का नंबर है, तो इनको कैसे सूरज भगवान को पूजा करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, और रविवार के दिन हो सके तो लाल रंग का जो फ्रूट है दान करना चाहिए, गाय को खिलाना चाहिए, और इससे भी अच्छा होगा तो सूरज भगवान को रोज जल चढ़ाएं, अपने पिताजी का चरण छूने से इनको अच्छा रहेगा। इनके लिए लकी कलर है ऑरेंज, येलो और लाइट रेड, इनके लिए लकी कलर है। बिल्कुल, अगला अंक 2। देखिए दूसरा है अपना 2 अंक है, यानी दूसरा नंबर है, वो 2 जो अंक आता है डेट ऑफ बर्थ, उसमें आप 2 डेट खेल सकते हैं, 20 गिन सकते हैं, और अपना 11। तो ये जो नंबर्स है ये नंबर्स में अपना 2 नंबर आता है, तो ये 2 नंबर वाला जो अंक आता है वो चंद्र प्रधान है, चंद्र का नंबर होता है, और चंद्र का नंबर होने के नाते कल्पनाशील होते हैं,
बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत मन से बहुत कोमल और नरम रहते हैं, कोई भी समाज के जो कठिनाइयाँ बहुत ज़रा कठिनाइयाँ रहती हैं उनको उनको बुरा लगता है उस चीज़ का। हालांकि दिमाग बहुत तेज़ होता है लेकिन भावनात्मक तल पे बहुत सारा थोड़ा सा डिस्टर्ब जल्दी होते हैं, उसके चलते समाज को उसने कठोरता से वो और कम नहीं पाते कर पाते हैं जितना उन्हें करना चाहिए। और थोड़ा सा कभी कभार समझो इनके इन लोग के ऐसे लोग पत्रिका में चंद्र अगर खराब रहा और नंबर में दो और जीरो ज़्यादा रिपीट हो गया, जैसे दो दो 2022 या 1992 ऐसा कुछ ज़्यादा रिपीट हो गया, तो इनको कैसा रहता है, भावनात्मक बहुत रहते हैं और इनको कोई भी भावनात्मक लेके इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है, ये थोड़ा इन्होंने ध्यान रखना चाहिए। और दो नंबर वाले जो दो अंक वाले जो व्यक्ति रहते हैं, दो अंक वाले व्यक्तियों के लिए कभी भी बिजनेस अच्छा रहता है, ये लोग प्रोफेशन में भी अच्छे रहते हैं और काम के अंदर जो समुद्र पे काम रहता है जैसा मर्चेंट नेवी हो गया या फिर पानी के बगल में जो शहर है उसका वो हो गया और पानी के ऊपर संबंधित जो काम है जैसे वाटर फिल्टर्स हो गए, डिस्टिल्ड वाटर हो गया या फिर तरल पदार्थों का जो काम है, इनके लिए बहुत लकी रहता है। अच्छे कवि बनते हैं, अच्छे गायक बनते हैं, अच्छे समाज सेवक बनते हैं दो नंबर वाले। और दो अंक के व्यक्ति वाले कैसे रहते हैं, थोड़ा भावनात्मक तल कम करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर हर सोमवार को जल और दूध चढ़ाए भगवान शंकर के ऊपर और चावल का दान करें। और हरा रंग अगर दो नंबर के जो दो अंक वाले व्यक्ति पहनते हैं हरा नंबर, तो उनके लिए बहुत अच्छा है हरा रंग। हालांकि बुध का नंबर होता है लेकिन अंकशास्त्र के अनुसार हरा नंबर इनके लकी होता है, सफ़ेद अच्छा होता है इनके लिए। ये जो चीज़ें हैं इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। और समझो कभी कभार क्या होता है, दो नंबर वाले ज़्यादा भावनात्मक होकर अपने को ही थोड़ा अहित करके या फिर अपने को डैमेज होने का काम कर लेते हैं, वो थोड़ा सा उन्होंने इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग रहना चाहिए। बिल्कुल। अगला क्रमांक तीन। तीन देखिए, तीन है, तीन नंबर आकर अपना गुरु का नंबर है जुपिटर का। तीन नंबर वालों का ज्ञान प्रखरता बहुत ज़्यादा रहता है, तेजस्वी रहते हैं। हालांकि इसमें तीन नंबर में विशेषता ऐसा होता है, एक नंबर की अच्छाई जो है यानी एक अंक जो है और दो अंक है, नंबर वन नंबर टू के जो डेट ऑफ बर्थ के जो भी नंबर्स के न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स के जो वैल्यू होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं एक नंबर के और दो नंबर के वैल्यू जो रहते हैं, वो दोनों के गुण तीन नंबर में रहता है। तो तीन नंबर गुरु का नंबर है, इसमें एक नंबर का भी विशेषता रहता है, दो नंबर का विशेषता रहता है। और किसी के लिए भी है, अपना काम का छोड़ के दूसरों के लिए काम करने का कोशिश करते हैं। और तीन नंबर वाले अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, अच्छे गाइड बन सकते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हैं, अच्छे लेखक बनते हैं। और अगर मीडिया क्षेत्र संबंधित तो अगर कोई व्यक्ति है उसका नंबर तीन ज़्यादा रिपीट होता है डेट ऑफ बर्थ में, तो उसके लिए और वैल्यू समझो उसका 21 डेट है, 30 है या फिर 3 है, और समझो को सारे पूरा डेट ऑफ बर्थ अपना डेट महीना और साल 1992 या 2003 जो भी ऐड करते हैं, उस ऐड करके पूरा अगर तीन निकलता है उन लोगों को मीडिया वाले क्षेत्र में, अगर ऐसा कुछ तीन नंबर निकलता है तो वो मीडिया के क्षेत्र में जो काम करते हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं मीडिया के क्षेत्र में। और दूसरा कैसा है, तीन नंबर वाले थोड़ा सा कैसा ज़्यादा अपने बारे में कम सोचता, फिर बात ज़्यादा दूसरों के लिए कुछ भी कष्ट है तो पराई लोगों को है, मदद करना अच्छी बात है लेकिन अपने बारे में भी सोच के थोड़ा सा अपना इम्प्रूवमेंट भी करना चाहिए, लोगों को भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा चलना तो अच्छा रहेगा। तीन नंबर वालों के लिए, तीन नंबर वालों के लिए लकी कलर रहेगा येलो और उनके लिए लकी डे रहेगा अपना थर्सडे और फ्राइडे लकी रहेगा तीन नंबर वालों के लिए। एक नंबर वालों के लिए लकी डे रहेगा संडे और मंडे और दो नंबर वाले के लिए लकी डे रहेगा अपना ट्यूसडे थर्सडे और मंडे। तो ये रहा तीन नंबर वालों के लिए। अभी जानते हैं चार नंबर वालों के बारे में। देखिए चार नंबर वाकर राहु का नंबर है, ये चार नंबर है ना, समझ लो कि एक समझो कि एक ऐसा है कि कष्ट ज़्यादा रहता है इनको, है ना, भावनात्मक बहुत रहते हैं, दूसरों के काम के लिए अपना काम छोड़ के चले जाते हैं, इनको घर में सही होते हैं, बोलने में कठोर होते हैं लेकिन इनके दिल में बिल्कुल कठोरता नहीं रहता, स्पष्ट वक्ता रहते हैं लेकिन इनको हमेशा गलत समझा जाता है और गलत समझने वाले लोगों से घिरे रहते हैं, इनको गलत ही समझा जाता है। इनको कैसा है, ज़्यादा अभिव्यक्ति करने नहीं आता, चार नंबर वाले दे आर वेरी बेसिक, बहुत बेसिक रहते हैं वो, उनको जो है रहता है उसको करते चलते, ज़्यादा उसको ज़्यादा इनको डिफाइन करने नहीं आता, अपने आपको व्यक्तित्व को प्रभावित बोलने नहीं आता। और इनके चार नंबर वालों को कैसा, बोलने में इनका कटुता रहता है लेकिन मन में बिल्कुल कटुता नहीं रहता, तो उसके वजह से दुश्मन इनके ज़्यादा बनते हैं। तो थोड़ा चार नंबर वाले कैसा, बोलने करने में थोड़ा सा थोड़ा मीठा बोले तो अच्छा है चार नंबर वाले, और पिता के साथ अपना मतभेद न हो उसके लिए अच्छा एक रिश्ता बना के चले पिता के साथ। और चार नंबर वालों ने क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अपने पेट संबंधी समस्या ज़्यादा रहता है इनको, थोड़ा ध्यान देना चाहिए चार नंबर वाले।
और ये कैसा है, अच्छे समाज सेवक बनते हैं, अच्छे टीचर बनते हैं, अच्छे गाइड बनते हैं, अच्छे सीए बनते हैं, अच्छे रिपोर्टर बनते हैं, अच्छे क्रिटिक बनते हैं चार नंबर वाले इनमें, और संशोधन रिसर्च करने का बहुत ज्ञान रहता है। और लेकिन चार नंबर का विशेषता ऐसा रहता है, इनको संसार का सारा ज्ञान रहता है, यानी हर चीज़ का इनको ज्ञान रहता है, यानी छोटी छोटी बात को भी ये इनको मालूम रहता है कि कैसे होता है, यानी ऐसा छोटा विकिपीडिया बोले तो भी कोई गलत बात नहीं, चार नंबर को इतना ज्ञान रहता है। आपने देखा रहेगा बच्चे कैसे रहते हैं, दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव, उनको सारा इंफॉर्मेशन, हालांकि वो जो इन्फॉर्मेशन उनके पास रहता है उनको निजी जीवन में काम नहीं आता, लेकिन फिर भी उनके पास ज्ञान रहता है, ये चार नंबर का। और चार नंबर वाले कैसा है, दूसरा इनके लकी नंबर रहेगा येलो कलर रहेगा, और इनके लकी कलर रहेगा येलो कलर, लकी नंबर रहेगा इनके लिए 4 और 1, लकी डेज रहेंगे इनके लिए संडे फ्राइडे और वेडनेसडे, इनके लिए लकी डे है चार नंबर वालों के लिए, पाँच एक नहीं है ठीक है। देखिए अगला है अपना पाँच नंबर, पाँच नंबर का स्वामी है अपना बुध, जो लोग 14 तारीख को, 5 तारीख को और अपना 23 तारीख को पैदा होते हैं उनका पाँच नंबर आता है, नंबर फाइव आता है मूलांक उनका। पाँच नंबर वाले बहुत शार्प होते हैं, बहुत अच्छे गणित में आगे बढ़ते हैं, इनको प्रखरता रहता है बुद्धि का, तीक्ष्ण बुद्धि रहते हैं, बहुत जल्दी सीखने का उनमें गुण है, जो पाँच नंबर के बच्चे होते हैं ना उनमें बहुत जल्दी सीखने का गुण होता है। हालांकि पाँच नंबर जिन बच्चों का आता है उन माता पिता को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये बच्चा गलत सर्कल में नहीं जाए, नहीं तो बहुत जल्दी गलत आदतें सीख लेता बच्चा, तो इसको ध्यान देना है। और पाँच नंबर वाले गणपति का पूजा करना चाहिए, हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, और पाँच नंबर वाले एक काम करें, देखो अगर आपको जमता है तो पाँच नंबर वाले हो सके तो खाना खाने के बाद जरा थोड़ा सा सौंफ जरूर खा ले, उससे उनका जो बुध ग्रह मजबूत होता है उनको अच्छा होता है इससे। और पाँच नंबर वाले बुरे आदतों से, बुरे लोगों से दूर रहना अच्छा, नहीं तो इनको हानि होता आगे चल के, आगे चल के पाँच नंबर वाले अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, अच्छे समाज सुधारक बनते हैं और अच्छे कलाकार बनते हैं, ये बुद्धिशाली से लेखक बनते हैं, स्क्रिप्ट राइटर सब बनते हैं और सीए बनते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनियों में मैनेजमेंट स्किल्स रहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सवाल जवाबों के सेशन की ओर, क्योंकि हमने हमारे यहाँ बहुत से सवाल जो है समस्या से भरे जो है आए हैं हमारे दर्शकों के। पहला सवाल हमारा है कोमेंद्र पटले, इनका है ये खामाघाट बालाघाट से है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/6/2003, इनका जन्म समय है 9:40 है रात का, 18/6/2003 इनकी जन्म तारीख है और इनका जन्म समय है 9:40 रात में। इनका सवाल है भविष्य में नौकरी को लेकर योग कैसे बने रहेंगे। देखिए इनको अभी फिलहाल तो 40 साथी चालू है, नौकरी के योग इनके पत्रिका में अच्छा है, बशर्ते कैसा है इनको थोड़ा सा राहु का दोष है जिसकी वजह से नौकरी एक स्थिरता नहीं दे पाता, बाकी काफ़ी एनर्जेटिक है कामकाज में, ये इनके कामकाज में एनर्जी की कमी नहीं है, बहुत फुल अपना फुल 100% देते हैं काम में ये, तो थोड़ा सा इनको आगे चल के और अच्छा होने के लिए इन्होंने क्या करना चाहिए, शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, शुक्रवार के दिन और मंगलवार के दिन दुर्गा माँ के मंदिर जाकर लाल रंग के फूल अर्पित करें माता दुर्गा को, और हो सके तो इन्होंने क्या करना चाहिए, देखो हम 7:30 है तो इन्होंने क्या करना चाहिए, हो सके तो हर मंगलवार को और शनिवार को हनुमान मंदिर जाना चाहिए और शनिवार को शनि मंदिर जाकर तेल अर्पित करके आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए, ऐसा करेंगे तो इनका भविष्य अच्छा रहेगा, आगे चल के इनको और बढ़ने का योग स्कोप बनता है, यहाँ से 2 साल में इन्होंने बहुत काफ़ी इम्प्रूव करना है। हाँ जी बिल्कुल। अगला सवाल हमारा है त्रिवेणी किरणोद पटले इनका, इनकी जन्म तारीख है 28/8/1991 इनकी जन्म तारीख है और पांडरवानी बालाघाट इनका जन्मस्थल है और जन्म का समय इन्होंने नहीं दिया है। इनका सवाल ऐसा है कि मन विचलित रहता है, काम में मन नहीं लगता है। देखिए इनके पत्रिका में कैसा है, ये बहुत सोचते हैं एक्चुअली, मन विचलित रहता बोलते हैं सही बात है, बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत छोटी छोटी बात को भी बहुत गंभीरता से सोचते हैं और कोई किसी ने कुछ बोल दिया कुछ हो गया तो पूरा पूरा दिन वही चलता दिमाग में इनके, तो इन्होंने पहली बात तो सब थोड़े बहुत चीज़ें प्रभु पे छोड़ना चाहिए, परमात्मा पे, और दूसरा कैसा है जीवन में थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव होकर चलना सीखना चाहिए इन्होंने और छोटी छोटी बातों को बहुत गंभीरता से लेना बंद करें पहली बात, और दूसरा इनको कैसा जो परिहार होता है, ये परिहार क्या, भगवान शंकर के मंदिर जाकर हर सोमवार को मीठा दूध भगवान शंकर के ऊपर अर्पित, यानी दूध में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर उसमें थोड़ा सा अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो सकता है तो डालें, नहीं तो शक्कर डालें, भगवान शंकर को हर सोमवार को अगर अर्पित करते हैं तो इनको काफ़ी आराम पड़ेगा इसमें। और इन्होंने क्या करना चाहिए, रात को
मंगलवार और शनिवार के रात को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, इससे इनको बहुत फायदा रहेगा। और हो सके तो अगर समझो और कुछ संभव हो सकता है तो इन्होंने हर बुधवार को भगवान राम के मंदिर जाके एक 50 ग्राम कपूर देके आना चाहिए मंदिर में, तो अच्छा रहेगा इनको। अच्छा, अगला सवाल जो है कामठी बालाघाट से रवि देशमुख इनका है। इनकी जन्म तारीख 2/6/1984 है, 2/6/1984 जन्म तारीख है। और इनका जन्म का समय है 7:20 सुबह। पारिवारिक भविष्य कैसा रहेगा, ये इनका सवाल है। जन्म गाँव है कामठी बालाघाट। देखो पारिवारिक भविष्य इनका अच्छा रहेगा, बशर्ते एक पत्नी के तबीयत पे थोड़ा ध्यान दे और पत्नी से इनको सपोर्ट वगैरह अच्छा रहेगा। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, थोड़ा सा 19-20 चल रहा है, माता के स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान देने बराबर है। पिता को थोड़ा सा हाइपरटेंशन होना या फिर उनको बहुत जल्दी गुस्सा आना, बुरा लगना, ये योग बनता है। बाकी कुल मिला के अगर पारिवारिक जो इन्होंने पूछा है कैसा रहेगा, वो बहुत अच्छा है, पत्नी की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा सा इन्होंने अगर इनके संतान वगैरह हैं तो संतान के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो बच्चे के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेगा उसको, ये है। बाकी एज होल इन्होंने जो पूछा अपने पारिवारिक इसके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, अगला सवाल जो है श्रेया लोकेश ढेकने का है। इनकी जन्म तारीख है 5/11/2018 जन्म तारीख है। जन्म का समय रात 10:30 है, नागपुर मेडिकल कॉलेज नागपुर से ही है। 10:30 रात का। इनका सवाल है भविष्य कैसा रहेगा। अभी देखो ये तो बच्चा है, 2018 यानी 4 साल का बच्चा है। भविष्य इन्होंने जो पूछा है भविष्य कैसा रहेगा, इसमें तो बहुत सारे चीज़ें आते हैं, यानी पढ़ाई लिखा आता बच्चे का सब आता है। छोटे से प्रोग्राम में कर पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर भी मैं संक्षिप्त में बोल दूंगा। देखो इस बच्चे का हेल्थ यानी तबीयत वगैरह ठीक रहेगा, बच्चे के शरीर में गर्मी ज़्यादा रहेगा, फ्यूचर अच्छा है, थोड़ा ज़िद्दी बनेगा बच्चा, और बच्चे के काम काज के अंदर आगे जब ये खुद का काम करेगा बहुत आगे बच्चा आगे बढ़ेगा, अच्छा काम रहेगा बच्चे का और फ्यूचर ब्राइट है बच्चे का। बशर्ते थोड़ा सा इस बच्चे को अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना सिखाना चाहिए माता पिता ने, दया प्रेम थोड़ा ज़्यादा सिखाना चाहिए, और इसके ऊपर थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस बच्चे के। बाकी एज ए पर्सन बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आगे चल के ये बच्चा बहुत ज़िंदगी में तरक्की करेगा, अच्छे मकान पाएगा जीवन में, काम काज खुद का भी करेगा, पैसे पानी सब अच्छा है बच्चे का। थोड़ा सा पेट संबंधी विकार, तबियत संबंधी विकार थोड़ा रहेगा बच्चे को, उस पर ध्यान देना भी बच्चे को ज़रूरी है। बाकी पढ़ाई लिखाई वगैरह बहुत अच्छा रहेगा बच्चे का। हाँ जी बिल्कुल, बढ़ते हैं अंकों की और अंक जो है उनके बारे जानते हैं। 6 का अंक है अगला। देखिए अभी ये 6 कैसा है, शुक्र का नंबर है। जो लोग 24, 15 और 6 को पैदा होते हैं उनका 6 आता है, और 6 वाले बहुत ही जीवन में सिस्टमेटिक रहते हैं, उनको जीवन जीने का टेस्ट रहता है, पर्दे ऐसे होना, कपड़े ऐसे होना और परफ्यूम होना, और बहुत स्टाइलिश रहते हैं, अच्छे अच्छे जो भी गायक रहते हैं, आर्टिस्ट रहते हैं, और जो भी प्रसिद्धि पाने वाले लोग रहते हैं उनमें देखना आप, 6 बहुत प्रधान रहता है उनका, 6 बहुत पावरफुल रहता है। और जो बहुत ही डिप्लोमेटिक जने जो जैसा बड़े बड़े जो सरकारी नौकरी में जो डिप्लोमेसी में काम करते हैं, डिप्लोमेटिक किसमें काम करते हैं, उनका भी 6 बहुत पावरफुल रहता है, उनको 6 बहुत रहता है। और 6 वाले लोग फिल्म में हो गया, आर्ट में हो गया, गायन में हो गया, कविता लिखने में हो गया, और पॉलिटिक्स में हो गया, और एज ए अच्छे गुरु बहुत अच्छा काम करते 6 वाले। लेकिन 6 वाले का विलासिता थोड़ा कम रखना चाहिए उनको, कैसा अभी थोड़ा सा पैसे मिले या फिर कुछ आराम है तो बहुत ज़्यादा विलासिता ज़्यादा रहता है, विलासिता कम करके थोड़ा सा तपस्या ने पैसे कमाने तो कमन है, लेकिन काम काज पे भी ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए 6 के बच्चों के लिए। और 6 वालों के लिए लकी कलर है वाइट और ग्रीन, अच्छा है उनके लिए 6 वालों के लिए, और थोड़ा सा ग्रे जो कलर होता है वो भी अच्छा है 6 वालों के लिए। और 6 वालों के लिए लकी डे होता है फ्राइडे और वेडनेसडे,
और सैटरडे इनके लिए अच्छा रहता है, 6 नंबर वालों के लिए, 6 नंबर वाले और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, हर फ्राइडे को यानी शुक्रवार शुक्रवार को अगर वो थोड़ा सा परफ्यूम यूज़ करते हैं, यही करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, अगर जो नहीं करते हैं अगर शुक्रवार को परफ्यूम यूज़ करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर सफ़ेद रंग के पताशे अगर वो माता लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाते हैं शुक्रवार को तो उनको धन धनागम के बहुत अच्छे योग बनते हैं। अगला है अपना 7 नंबर। देखिए 7 नंबर जो होता है ना ये केतु का नंबर है और केतु के जो नंबर जो 7 नंबर वाले लोग रहते हैं खोए खोए से रहते हैं, अपने में ही रहते हैं, ज़्यादा बोलना ज़्यादा करना इनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत बहुत गहरे विचारक रहते हैं, बहुत विचारवाद वाले लोग रहते हैं, तर्क वितर्क करने वाले लोग रहते हैं। अगर बात मुद्दे की हो तो, अगर ऐसे हल्का फुल्का बात हो तो गॉसिप करना इनको पसंद नहीं है, अगर मुद्दे की बात हो तो बहुत अच्छा तर्क वितर्क करते हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस बनते हैं ये, अच्छे समाज सुधारक बनते हैं और आर्किटेक्ट बनते हैं ये बहुत अच्छे, और जो अच्छे अच्छे डॉक्टर बनते हैं ये 7 नंबर में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं, तो ये नंबर इनके लिए ये काम इनके लिए फेवरेबल है। और 7 नंबर वाले थोड़े से अपने पेट पे हाजमे पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि उससे संबंधित थोड़ा सा उनको तकलीफ हो सकता है 7 नंबर वालों को। बिल्कुल। अगला नंबर 8। हाँ जी, देखो 8 नंबर वाले जो रहते हैं वो शनिदेव का नंबर है और जो लोग 8 तारीख 17 तारीख 26 तारीख को पैदा हुए उनका 8 नंबर आता है। 8 नंबर वाले बहुत ही बलिष्ठ व्यक्ति रहते हैं, दिमाग से और काया से बहुत स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन कैसा है 8 नंबर वाले खोए खोए से रहना, कभी कभार देखो सर नीचे करके चलते हैं कई कई लोग रास्ते में, वो खास करके ज़्यादातर 8 नंबर वाले के लोग रहते हैं, सर नीचे करके जाना नीचे करके आना ऐसा, और बहुत ही स्लो रहते हैं थोड़े ये कामकाज में, और उनको कैसा स्लो इसी रहते हैं, हर चीज़ को समझ के करना चाहते हैं 8 नंबर वाले, और कुछ भी करेंगे तो गहराई में करते हैं 8 नंबर वाले। और 8 नंबर वालों को स्पेशली कैसा रहता है, थोड़ा सा इनको समाज में मिक्सअप होना मुश्किल रहता है, जैसा 4 नंबर वालों को मिक्सअप होता है समाज मिक्स होना, वैसे 8 नंबरों में मिक्सअप होना मुश्किल रहता है, लेकिन 8 नंबर वाले एक बार अगर चीज़ को समझ जाते हैं कोई चीज़ को गहराई में ले लेते हैं फिर उनके जितना मास्टर उस चीज़ का कोई नहीं रहता, गहराई में डीप में जाने का उनका आदत रहता है। और 8 नंबर वाले अच्छे जज बनते हैं, अच्छे वकील बनते हैं, अच्छे CA बनते हैं, अच्छे कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, और कई 8 नंबर वाले ऐसे भी देखा गया है कभी कभी पुलिस वाले भी बनते हैं, हालांकि पुलिस वाले कम रहते हैं लेकिन 8 नंबर कभी कभी पुलिस वाले भी जाने प्रेफर करते हैं। तो ये हो गया अपना 8 नंबर के लिए, इनके लिए लकी नंबर लकी डे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, वेडनेसडे लकी है, और लकी नंबर है इनके लिए 8, 6 और 5। बिल्कुल। अगला नंबर 9। देखिए 9 नंबर वाले जो रहते हैं वो मंगल प्रधान लोग, मंगल का ही नंबर है, आज आप देख लो 9 नंबर जिनका भी रहता है उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली आप देख लेना चाहिए तो आप बॉलीवुड के एक्टर्स हैं या जो भी है 9 नंबर के, उनका हेल्थ अच्छा रहता है क्योंकि मंगल का नंबर है, और मंगल प्रधान नंबर होने की वजह से क्या है इनको गुस्सा बहुत आता है, उत्तेज बहुत जाते, बहुत जल्दी हार नहीं मानते, और बोलते हैं देर पुट डाउन देर गन्स करके, ऐसे अपने हथियार नीचे नहीं डालते, अपने बहुत ताकत रहता है इनमें दिमाग में और शरीर में, हेल्थ अच्छा रहता है, एनर्जेटिक रहते हैं, जो भी काम तो पूरा करते हैं, लेकिन ओवर एनर्जी होने की वजह से अपना काम बिगाड़ लेते हैं कभी कभार। और 9 नंबर वाले खास करके कैसा है, अच्छे अगर अपने ताकत पे संयम रखे, अपने बुद्धि पे थोड़ा संयम रखे, सोच समझ के पेशेंस नहीं चले 9 नंबर वाले, तो अच्छे डायरेक्टर बनते हैं, अच्छे कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, अच्छे एक आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, पुलिस वाले बन सकते हैं 9 नंबर वाले, अच्छे अच्छे डॉक्टर सर्जन्स 9 नंबर में दिखते हैं आपको। और 9 नंबर वाले का जो दिमाग का कैपेसिटी बहुत रहता है लेकिन उसने थोड़ा सा फोकस करना सीखना चाहिए, जो जो भी 9 नंबर के बच्चे रहते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जिनका 9 नंबर आता है, उनके माता पिता को बहुत जरूरी है उसको बच्चे को फोकस करना सिखाना, नहीं तो वो बच्चा क्या करता है एक साथ 10 काम करना चाहता है, एक काम भी नहीं होता उससे, और थोड़ा जिद होना और हटीपन होना ज़्यादा रहता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखे। 9 नंबर वालों के लिए ब्राइट रेड पहनना गलत बात है, ब्राइट रेड नहीं पहनना, माइल्ड रेड पहनना चाहिए, ब्लैक अवॉइड करना चाहिए 9 नंबर वालों ने। और 9 नंबर वालों के लिए संडे अच्छा रहता है, ट्यूसडे अच्छा रहता है, इनके लकी नंबर रहेगा 1 और 4 नंबर इनके लकी रहता है, 9 नंबर वालों के लिए अच्छा रहता है। कुल मिला के 9 नंबर वाले दुर्गा माता का पूजा करें, हनुमान जी का पूजा करें तो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल। अगला नंबर है 10। हाँ देखिए 10 नंबर वाले के साथ 10 नंबर में हमने गिन लिया कि 1 नंबर ही उनका आता है, लेकिन एक विशेष आपने बात कहा, इसको 10 यानी एक समझो कैसे अपना डेट लिखते हैं, तो 10 यानी शून्य आता है, 2 यानी शून्य आता है, 30 यानी शून्य आता है, तो इसमें एक विशेषता क्या है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, इसमें विशेषता क्या है, जिनके भी ऐसे नंबर में 10 20 और 30 आता है वो जिसके साथ रहता है ना उसको फ़ायदा बहुत होता है पहला, और दूसरा ये सारे चीज़ों को बांध के चलने वाले लोग रहते हैं, दूसरों के गलती को माफ़ करके चलने वाले रहते हैं, हालांकि भावनात्मक होने के बावजूद भी दिमाग तेज रखते हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी दूसरों को माफ़ करके उसके गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए उसको सुधार के चलने में हमें बहुत गुण रहता है। और किसी के साथ भी रहते हैं, किसके साथ भी हो जाते हैं ना, उसके साथ पूरा निभाते हैं, और वो 10 नंबर 20 नंबर और 30 नंबर जो, जो, जो हो सकता है 10 का ये खा है, यो का ये 2 20 का 2 है, लेकिन उसके साथ शून्य जुड़ा रहने से क्या होता है, जिसके साथ भी रहते हैं उनको उनका रहना ही उनको फेवर करने लगता है, और वो जिसके साथ काम करते पार्टनरशिप रहता है या जिसके साथ पति पत्नी है, पत्नी है कोई 20 नंबर की या 10 डेट ऑफ बर्थ की, तो वो पति के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, बहुत सपोर्टिव रहेंगी। तो ये 10 नंबर क्या करता है, चीज़ों को जोड़ता है और चीज़ों को रुकने नहीं देता, देयर इन फ्री विल। हाँ जी, अभी है सवालों का, हमारा सवाल जो है हमारे पास आया है पूजा सिद्धार्थ वासनिक, इनका सवाल है, ये बाल बलमा टोला गोंदिया से है। अच्छा। इनकी जन्म तारीख है 12/5/1999, 12/5/1999 इनकी जन्म तारीख है, इनका जन्म का समय है 2:00 PM का, और इनके सवाल है, मैं पॉलिटेक्निक बीए सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, मेरा यह प्रश्न है कि मुझे जॉब कब तक मिलेगी और मेरी अभी अभी शादी भी हुई है, पारिवारिक जीवन कैसा होगा और स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियाँ रहती है, कब तक ठीक होगी। जन्मगांव क्या है? जन्मगांव बलमा टोला गोंदिया। हाँ जी, देखिए इनका जो अभी पॉलिटेक्निक का इन्होंने जो बोला है, तो इसके अंदर इनको कैसा है, पढ़ाई के अंदर इनको जल्दी सिद्धि नहीं होता है, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके समझ में नहीं आता कि ये कितना डीपर सब्जेक्ट है, ये इनको क्या समझना है, वो थोड़ा समझ में इनको दिक्कत जाता है, और इनके पत्रिका में हायर स्टडीज़ के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी है। और स्वास्थ्य संबंधी जो इन्होंने पूछा है उसमें कैसा है, इनको पेट संबंधी समस्या ज़्यादा है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है इनको, और थोड़े से ब्लड से संबंधित परेशानी हो सकता है इनको, और खास करके अगर ये ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं इनको खुला सर खुला रख के ज़्यादा धूप में नहीं घूमना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों को माइग्रेन का अटैक होता है, पित्त बहुत बढ़ जाता है शरीर में इनके, तो ये ध्यान देना चाहिए इन्होंने। तो इसके लिए अगर संभव हो सकता है तो इन्होंने क्या करना चाहिए, सूरज को जल चढ़ाना चाहिए रोज़, और हो सके तो वो गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, कम से कम दिन में एक बार 24 बार तो जाप करना चाहिए, गायत्री मंत्र इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और तीसरा प्रश्न क्या था इनका? इनका तीसरा प्रश्न है कि इनका मतलब शादी अभी भी हुई है तो पारिवारिक जीवन इनका कैसा होगा? देखिए शादी अच्छा ही रहेगा, लेकिन बशर्ते कैसा है, थोड़ा सा मैरिड लाइफ में थोड़ा सा कमियाँ हैं, उसको आपने ठीक करना है, पति के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना है आपने, थोड़े से हस्बैंड और आपके बीच में थोड़ा सा कभी कभार गर्म दिमाग का वार्तालाप हो जाता है, इसको ज़्यादातर आप हवा नहीं दें इस चीज़ को, लेकिन एज ए होल अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपने आगे चल के समझो संतान होता है अपना पढ़ाई के लिए, उससे थोड़ा सा आपने थोड़ा उसके प्रति ध्यान देना जरूरी है, संतान के लिए वगैरह आपको अगर समझो स्वास्थ्य अच्छा रहना, बच्चे का सब ठीक चलना, उसके लिए हर गुरुवार के गुरु के मंदिर जाके गुरु के दर्शन किया करो, पूरे रंग के फूल अर्पित किया करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला सवाल जो है कंजई बालाघाट से है, भारती रवि देशमुख इनका, इनकी जन्म तारीख है 8/7/1993, 8/7/1993 इनकी जन्म तारीख है, जन्म का समय नहीं दिया है। इनका सवाल है, अभी अभी मुझे पुत्री रत्न प्राप्त हुई है, जानना था कि मेरे परिवार और बच्चे का जीवन कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा। अच्छा, देखो इन्होंने जन्म का समय नहीं दिया है ना, जन्म का समय नहीं, हाँ तो पत्रिका इनका निकले के देखिए, राशिगत में बता सकता हूँ, राशिगत ऐसा है कि इनका जो इन्होंने पूछा है बच्चे का कैसा स्वास्थ्य वगैरह कैसा रहेगा, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा उनको कैसा, अगर बच्चा अभी बहुत छोटा है तो उसको सर्दी खांसी से थोड़ा संबंध शिकायत रहेगा, उस पर ध्यान देना है। बाकी इनको अभी 7.5 चालू है, शनि के ऊपर शनि गोचर है, तो जिसके वजह से इनके पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा अलगाव यानी थोड़ा सा होना, परेशानी होना, अगर पार्टनरशिप से कुछ काम कर तो उसमें परेशानी होना, और डे टू डे रोजाना जीवन में अड़चन ज़्यादा रहना, ये थोड़ा योग बनता है, और जल्दी बहुत जल्दी इनका क्या है, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये सोच इनका गहरा व्यक्तित्व है लेकिन बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है और उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है छोटी छोटी बात पर, तो ये चीज़ को थोड़ा सा इन्होंने कम करने के लिए क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर मीठे बूंदी का प्रसाद हर मंगलवार को चढ़ाने से इनको अच्छा रहेगा। और इनका जो भी इन्होंने संतान संबंधी जो भी पक्ष पूछा है, अभी ये साल इनको बच्चे के स्वास्थ्य में और ज़्यादा सुधार दिखना और अच्छा होने का योग, ये साल जो है 2022 जो है पूरा साल यानी अपना अप्रैल 2023 तक का इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो भी इनको जरूरी काम करना या कुछ इनको इम्पोर्टेंट करना है उसमें इनको यश कीर्ति मिलने का पूरा योग बनता है ये आने वाले 2023 अप्रैल के अंदर। अच्छा,
अगला सवाल जो है सिद्धार्थ अनिल वासनिक इनका है, इनकी जन्म तारीख है 15/7/1999, 15/7/1999 इनकी जन्म तारीख है और ये दासगांव गोंदिया से है। जन्म का समय इन्होंने नहीं दिया है, जन्म टाइम। ये एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और मुझे जानना था कि मुझे जॉब कब तक लगेंगी, ऐसा इनका सवाल है। देखिए अभी जॉब आपको जो आपने पूछा है, जॉब तो आपको लगने वाला है, बहुत जल्दी लगने वाला है। अभी समझो कि अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा हाथ पर ज़्यादा मार रहे हैं, तो आपको जॉब अगले महीने यानी अपना जुलाई और अगस्त के बीच में आपको जॉब लग जाएगा। करना क्या है आपने, आपने सिर्फ हनुमान जी के मंदिर में जाना है, शनिवार के दिन मीठे बूंदी और थोड़े से उड़द के दाल यानी पाव उड़द के दाल और मीठे बूंदी प्रभु के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में आपने प्रसाद चढ़ाना है मंगलवार शनिवार को, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके जॉब लगेगा और जॉब अच्छा चलेगा आपका। हाँ जी बिल्कुल, आज के इस कार्यक्रम में भविष्य दर्शन में जो है समय हो गया है यही रुकने का। एपिसोड में हम मिलेंगे नए जानकारी के साथ। आचार्य जी जो है हमें हर बार नई नई जानकारी जो है देते रहते हैं ज्योतिष शास्त्र के संबंधित। अगले बार भी हम उनसे मिलेंगे, उनके जानेंगे अगले कार्यक्रम में कि अगली बार वो क्या बताने वाले हैं। और ऐसी कुछ समस्याएं हो, आपके सवाल हो तो हमें भेजिए, उसका समाधान निश्चित ही आचार्य जी आपको बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार। बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज़ चैनल पर।